तो शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के ठाणे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर बड़े हादसे की खबर आई है। यहाँ पर सड़क निर्माण में लगी हुई मशीन के गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण में जो मशीन लगी हुई थी, स्मृति एक्सप्रेस वे के निर्माण में ये मशीन लगी थी। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ कुछ लोगों की हालत अभी गंभीर बताई गई है। ठाणे के शाहपुर में यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे के तीसरे चरण के निर्माण के दौरान एक क्रेन के पुल से स्लैब पर गिर जाने से ये पूरा हादसा हुआ है। इस बीच पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर किया, साथ ही पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी घटना पर दुख जाहिर किया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का भरोसा दिया है। साथ ही घटना की जांच की बात कही गई है। तो एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। हादसे में 17 लोगों की मौत की खबर है। स्मृति एक्सप्रेस वे पर सड़क निर्माण में लगी मशीन अचानक से गिर जाती है और इसमें कई लोगों के मरने की भी खबर यहां पर निकल कर आई है। कई लोगों के मौत की खबर निकल कर आई। बताया गया कि दुखद हादसे में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने, साथ ही साथ जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है और मुआवजे राशि का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन बेहद दुखद खबर है, यहाँ पर 17 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। अचानक से मशीन ये गिर गई थी। महाराष्ट्र के शाहपुर में समृद्धि एक्सप्रेसवे फेज टू का काम चालू था, जहां बीते रात तकरीबन 12 से 1 के दरमियान एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, इस वक्त हम उस मौके पर मौजूद है। समृद्धि एक्सप्रेस वे फेज टू का काम चालू था, जहां पे एक गार्डर मशीन जो है काम में जुटा हुआ था। उस वक्त गार्डर मशीन ऊपर तकरीबन 100 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा, जिसके चलते 14 मजदूर जो है उनकी मौके पर मौत हो गई। उसके अलावा 3 मजदूर जो है गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें नजदीकी पड़गा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, 6 लोग जो है अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, जिनको एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और लोकल स्थानीय पुलिस जो है जिन्हें निकालने में जुटी हुई है। आपको बता दें, अक्सर ऐसे जगह पर जहाँ पर ऐसे बड़े बड़े काम होते हैं, वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, जिसके चलते जो है कोई ऐसा बड़ा हादसा ना हो। जो लेबर काम कर रहे हैं वहाँ पर, उनकी जान पे किसी भी तरीके से खतरा ना बने, इसलिए बड़े जो है सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो यही है कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू था, उस वक्त क्यों कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स या सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए। कैमरा पर्सन संदीप कामले के साथ नीतीश झा, जी मीडिया। बड़ी खबर महाराष्ट्र के रायगढ़ से है, जहां मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 3 ट्रक टकरा गए। हादसे में 2 ट्रक जलकर खाक हो गए।